एक लड़के ने लाइब्रेरी में एक खूबसूरत लड़की से पूछा, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं तुम्हारे पास बैठूं? लड़की ने तेज गुस्से भरी आवाज़ में जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ एक रात भी नहीं बिताना चाहती हूँ। लाइब्रेरी में सभी लोग लड़के को घूरने लगे और वह लड़का बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। कुछ मिनट बाद लड़की लड़के के पास गई और उससे कहा, मैं बायोलॉजी का स्टडी करती हूँ और मुझे पता है कि एक आदमी क्या सोच रहा है। मुझे लगता है कि तुम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, हुई ना शर्मिंदगी, है ना? लड़के ने बहुत तेज आवाज में जवाब दिया उसको, एक रात के लिए 6,000 रुपये, यह तो बहुत ज़्यादा रकम है। और लाइब्रेरी में मौजूद सभी लोगों ने लड़के को हैरानी से देखा और वही आपस में फुसफुसाए। लड़का बोला, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ और किसी को आसानी से कैसे दोषी बनाना है यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, हमें कभी भी दूसरे को कम नहीं समझना चाहिए, इज्जत को ही अपनी इज्जत समझना चाहिए और कभी भी किसी को फंसाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, अन्यथा हम ही उसमें फंस जाएंगे।